चलो गाइस, क्या हालचाल। और ये है अपेक्स लेजेंड्स मोबाइल, और आज इस गेम का जो एक मैं पूरा गेम प्ले रिव्यू करने वाला हूँ मेरे Redmi Note 10 Pro के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा Redmi Note 10 Pro यहाँ पर रखा हुआ है, मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। और ये जो है 6128 वाला वेरिएंट है, जिसके ऊपर मैं Apex Legends को जो है पूरा गेम प्ले रिव्यू करने वाला हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पर आपको मैं इसकी सेटिंग्स बताने वाला हूँ, कौन कौन सी सेटिंग्स पे चलता है, कैसा इसका गेम प्ले है, यहाँ पर आपको क्या फ्रेम रेट देखने मिलते हैं, हीटिंग इशूज़ देखने को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, गेम लैग होती है या फिर नहीं होती है एक घंटे की गेमिंग पे, सारी चीज़ों के बारे में हम पूरे डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारे इस गेम प्ले रिव्यू। तो गाइस, शुरू करते हैं हमारे गेम प्ले रिव्यू को। और गेम प्ले स्टार्ट करने के पहले मैं आपको जो इसकी सेटिंग्स बता देता हूँ, यहाँ पर आपको ग्राफिक सेटिंग क्या देखने मिल जाती है Redmi Note 10 Pro के अंदर। तो यहाँ पर ग्राफिक सेटिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर ग्राफिक की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर रिकमेंड किया है इसने नॉर्मल, जबकि यहाँ पर आप अल्ट्रा HD तक के जा सकते हो। और फ्रेम रेट की बात करें तो यहाँ पर आप हाई तक के जा सकते हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम सेटिंग यहाँ पर देखने मिल जाती है। ओरिजिनल की बात करें तो यहाँ पर ओरिजिनल का ऑप्शन अभी डिवाइस में सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये रिकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको नॉर्मल फ्रेम रेट और नॉर्मल ग्राफिक्स रखना है, तो मैं इसको इसी पे रहने देता हूँ। नीचे यहाँ पर आपको ग्राफिक स्टाइल देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सेम BGMI के जैसा ही यहाँ पर आपको लेआउट देखने को मिलता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस गेम प्ले रिव्यू को। सो गाइस, यहाँ पर हमारी गेम जो स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का लेआउट देखने को मिलता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ग्राफिक्स कितने अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर मैंने साउंड भी खोल के रखा है, तो यहाँ पर आपको साउंड एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पर इसकी लॉबी है। तो अब आप जो यहाँ पर गेम प्ले एंजॉय कीजिए। थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको शुरुआत में जो है लैंडिंग के टाइम पे लैग देखने को मिल जाता है, थोड़ा ये ऑप्टिमाइज नहीं है और सभी फ़ोनों के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो मैं यहाँ पर साउंड करके कम कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको थोड़ा लैग देखने को मिलता है शुरुआत में जब लैंडिंग होती है, और कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपको इसका गेम प्ले देखने को मिलता है, कुछ इस टाइप का ये ग्राफिक इसके रन होते हैं। सो गाइस, बात करें गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गेमिंग एक्सपीरियंस और उसके गेमिंग के जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैं शूट कर पा रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से खेल पा रहा हूँ। शुरुआती टाइम में यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की दिक्कत देखने को मिल जाती है, इसके अलावा यहाँ पर मेरे को कोई ऐसा कोई ज़्यादा मेजर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेम रेट यहाँ पर आपको 25 के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात मुझे लग रही है। मतलब 30 FPS यहाँ पर आपको इजीली देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली। एंड यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जा रहा है कि यहाँ पर आपको 30 FPS देखने मिलते हैं। यहाँ पर आप FPP और TPP पे स्वैप कर सकते हो। गाइस, बात करें गेम की, तो यहाँ पर आपको जो काफ़ी अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, और हर कैरेक्टर की एक अलग एबिलिटी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है। लाइक यहाँ पर मैंने जो ये कैरेक्टर जो इक्विप करके रखा है, यहाँ पर इसकी जो एक अलग एबिलिटी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ऊपर साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें एक आई का बना हुआ है और एक हंट का बना हुआ है। तो इसकी ये दो स्पेशल एबिलिटी है, जिसके यूज़ से ये जो है अपनी जो पावर्स का यूज़ कर सकता है। सो गाइस, अब आगे की गेम जो है मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के यूज़ से जो खेलने वाला हूँ, ताकि मैं इसको और अच्छे से टेस्ट कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पर जो गेमिंग भी चलेगी प्लस यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू हो जाएगी। एंड गाइस, यहाँ पर हमारी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है, तो आप इस गेम को जो इन्जॉय कीजिए। बात करें गन्स की, तो यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट वाली एकदम हाईटेक गन्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी गन्स है, बस यहाँ पर आपको स्नाइपर्स तो देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पर आपको कोई स्कोप देखने को नहीं मिलता बड़ा। तो यहाँ पर ये थोड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगी,
तो यहाँ पर आप जो है जूम करके नहीं देख सकते लाइव BGMI। हालांकि यहाँ पर जो आपको जो कंट्रोल्स देखने मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती। जैसे आप BGMI अगर आप पहले खेल चुके होंगे तो आपको वैसा ही एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। Strong work. Finish the last of that enemy squad. Recharging my shields. Reloading. Battering the enemy. The All-Father blesses me with sight of enemies and traps. Reloading. Arriving at Capital City. Reloading. Please mind the gap as you exit and have a pleasant day. Battling the enemy. The train is departing. Next stop, Cafeteria. Recharging my shields. Reloading. Trails linger. They lead straight. Recharging my shields. Reloading. Passing the enemy. Not a hostile on Scott. Reloading. सो गाइस यहाँ पर हम जो इस मैच को जीत चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर चैंपियन लिखा आ गया है। काफ़ी बढ़िया गेम प्ले था, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। सो गाइस काफ़ी शानदार और काफ़ी इंटेंस गेम प्ले था इस अपेक्स लेजेंड्स का, जो कि मेरे रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर मैंने किया और फ़ोन जो है थोड़ा बहुत हीट हो गया था 40 डिग्री के ऊपर, मेरे हिसाब से 41 या 42 डिग्री ये फ़ोन फूज गया था एक घंटा गेमिंग करने के बाद, लेकिन गेमिंग काफ़ी अच्छी हुई। बीच बीच में थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप अगर जैसे 2-3 स्क्वाड ज़्यादा आ जाती है तो उसमें आपको यहाँ पर लैग देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ऑप्टिमाइजेशन की, तो कंपनी ने इसके जो ग्लोबल वर्जन में इसको अभी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है, तो आपने देखा होगा कि लैंडिंग के टाइम पर भी थोड़ा बहुत ये लैग हो रहा था। इसके अलावा यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली, यहाँ पर आपको ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, फ्रेम रेट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। जो लैग की प्रॉब्लम है वो गेम की ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, और हीटिंग इशूज़ की बात करें तो 41-42 डिग्री कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो है गर्मी का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से
ये हीटिंग इश्यूज इसको नहीं कह लेंगे, ये थोड़ा फोन जो है थोड़ा सा वार्म हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, काफ़ी बढ़िया गेम प्ले था। और यहाँ पर बैटरी ड्रॉप भी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है। मैंने जो इसको 90% पे स्टार्ट किया था और एक घंटे से एक घंटे के बीच में इसने केवल और केवल 7 से 8% ही बैटरी ड्रॉप की है, उससे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप नहीं हुई है। तो बैटरी कंज्यूमशन भी यहाँ पर आपको कम देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से गेम प्ले काफ़ी अच्छा था। और आपको कैसा गेम प्ले लगा मुझे ज़रूर से बताना इसके कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्जॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।